बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपके ओल्ड मॉडल बाइक की क्लच प्लेट्स बार बार ख़राब हो रही हैं या फिर न्यू क्लच प्लेट्स डलवाने के बाद भी आपको बाइक की पिकअप डाउन नज़र आ रही है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही, अगर आपकी भी पुरानी बाइक की क्लच प्लेट्स बार बार ख़राब हो रही हैं या फिर आप न्यू क्लच प्लेट्स डलवाते हैं उसके बावजूद भी आपकी बाइक चौथे गियर में होने के बावजूद फिर गियर मांग रही हो, तो आपको ये काम करना है। इंशाल्लाह दोबारा इस तरह की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आप बाइक की क्लच प्लेट्स जल्दी खराब होंगी। अक्सर उकात मैकेनिक बाइक की क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो हैं वो न्यू डाल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, पर ये जो स्प्रिंग होते हैं बक्से के, ये स्प्रिंग काफी ज्यादा नरम हो जाते हैं, इनको रिप्लेस नहीं करते। इनको रिप्लेस ना करने की वजह से क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। बाइक की इंजन की जो पावर होती है प्रॉपर गेयर बॉक्स तक मुंतकिल नहीं होती, जिसकी वजह से आपको फिर जल्दी क्लच प्लेट्स रिप्लेस करवानी पड़ती हैं। जब कभी भी आप किसी भी पुरानी बाइक की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट्स तब्दील कराएं तो ये जो स्प्रिंग होते हैं इनको आपने जरूर चेक कर लेना है। अगर स्प्रिंग खराब हो तो ये आपने जरूर रिप्लेस करने हैं। ये हमारे पास क्रॉनलिफान कंपनी के स्प्रिंग मौजूद हैं, इनको खोल के आपको इनके साथ कंपेयर करवाता हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये जो स्प्रिंग है कितने खराब हो चुके हैं। क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। 4 अदद बड़े स्प्रिंग होते हैं और 4 अदद छोटे स्प्रिंग होते हैं। अब ये न्यू स्प्रिंग है हमारे पास और ये पहले वाले स्प्रिंग है। अगर आप इनको आपस में कंपेयर करें तो ये जो स्प्रिंग है काफी ज्यादा प्रेस हो चुके हैं इनकी एज कम्पेयर न्यू स्प्रिंग। तो जब कभी भी आप क्लच प्लेट्स तब्दील करें तो ये स्प्रिंग आपने जरूर चेक कर लेने हैं। इनको फिट करने के लिए स्पेशल आपके पास पुलर होना चाहिए। और इस पुलर को आपने ऊपर से अच्छी तरह टाइट कर लेना है और उसके बाद जो छोटे स्प्रिंग हैं ये वाले आपने फिट करने हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इजीली इनको फिट कर सकते हैं। चार स्प्रिंग जो होंगे छोटे वाले उनको भी आपने प्लेट्स फिट करने से पहले फिट करना है। उसके बाद न्यू मोबाइल होना चाहिए आपके पास, एक क्लच प्लेट आएगी सबसे पहले आपने उसको फिट करना है, फिर आपने लुब्रिकेशन करनी है, फिर 1 अदद प्रेशर प्लेट आपने फिट करनी है, फिर लुब्रिकेशन करनी है, फिर आपने क्लच प्लेट फिट करनी है, फिर आपने लुब्रिकेशन करने के बाद प्रेशर प्लेट फिट करनी है और लास्ट में ये लॉक फिट होगा और फिर आपने इस पुलर को खोल देना है। इस तरह इंशाल्लाह ताला आपकी बाइक की क्लच प्लेट्स जल्दी ख़राब नहीं होंगी और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होगी, आपको पिक और पावर भी 100% पूरी मिलेगी। उसके बाद इसको आपने बाइक के इंजन में फिट कर देना है। ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।